पैर रख चुके थे और हम यहाँ गीत गाते थे चंदा मामा दूर के, आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हमारे यहाँ से लॉन्च होते हैं। 174 मिलियन डॉलर से अधिक उसकी आमदनी हुई है और आज से अमेरिका और भारत चांद पर जाने वाले मानव के मिशन में बराबर के हिस्सेदार होंगे। ऐसे क्षण आज हमें आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं जानता हूं आप उनको सुनने के लिए बेचैन हैं, इसलिए मुझे कोई हक नहीं यहां बहुत देर खड़े रहने का। मैं यही कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय महोदय, जम्मू कश्मीर की उन्नति एवं प्रगति के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन कई कदम उठा चुका है और कुछ नए स्तंभ आज आपके कर कमलों द्वारा जोड़ने जा रहा है। इनमें से 10 कार्यों को आपके कर कमलों द्वारा कुछ का शिलान्यास और कुछ संपन्न हुए कार्यों का उद्घाटन किए जाने की आपसे अनुमति चाहूंगी। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध कि कुल 83 करोड़ की लागत से संपन्न किए गए कार्यों का अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन करें, जिसमें 40.86 करोड़ की लागत से बना बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल और 25 करोड़ की लागत से जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डोगरा चौक से केसी चौक तक के विकास कार्य शामिल हैं। आपसे अनुरोध, कृपया इनका विधिवत उद्घाटन करें। महोदय, 209 करोड़ की लागत से नई परियोजनाओं का आरंभ होने जा रहा है, जिसमें 32.46 करोड़ की लागत की मल्टी लेवल पार्किंग डोडा में, 157.47 करोड़ की लागत की 41 WSS की जल जीवन मिशन परियोजना, बागे बहु में 19.03 करोड़ की ओशन एरियम शामिल हैं। आप इनके शिलान्यास के साथ साथ ब्लू पेंसी को जम्मू कश्मीर की तितली घोषित करने का कष्ट करें। गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 100 करोड़ की लागत से देश की 8वीं अत्याधुनिक केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महोदय, आपसे अनुरोध, कृपया सांबा जिले में 20 कनाल जमीन पर बनाए जाने वाले सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का शिलान्यास अपने कर कमलों द्वारा करें। इसी का बखान करता हुआ एक वीडियो दिखाने की अनुमति भी चाहूंगी। आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक साइंस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान न केवल अपराध की जांच में सहायता करता है, अपितु अपराध के दौरान पाए जाने वाले साक्ष्यों का विश्लेषण करके मामले को वैज्ञानिक तरीके से सत्य तक पहुंचाता है। अपराधी को जल्दी सजा मिले और निर्दोष को प्रताड़ित न होना पड़े, इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में देश की 8वीं अत्याधुनिक केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSS स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोगशाला का निर्माण सांबा जिले में 20 कनाल जमीन पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। CFSS जम्मू में समस्त केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे CBI, NIE, ED, माननीय अदालतों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, अधिकृत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए साक्ष्यों की जांच की जाएगी। प्रथम चरण में 5 प्रमुख विभाग स्थापित किए जाएंगे। फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में ड्रोन्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड एवं CCTV फुटेज का परीक्षण आधुनिक सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। रसायन विभाग में रिश्वतखोरी एवं आमजनी के मामलों तथा मादक विस्फोटक और जहरीले पदार्थों की जांच की जाएगी। प्रलेख विभाग में हस्तलिपि, हस्ताक्षर, मुद्रित दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्टाम्प पेपर और नकली मुद्रा का परीक्षण किया जाएगा। DNA प्रभाग में बलात्कार एवं विवादास्पद पितृत्व मामलों की जांच अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से की जाएगी। केंद्रीय न्यायालय विज्ञान सेवा निदेशालय DFSS, गृह मंत्रालय,
देश को समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता की फोरेंसिक सेवाएं प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। जय हिंद। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और मंचासीन सभी महानुभावों से अनुरोध कि जम्मू की प्रगति का बखान करती और उन्नति को दर्शाती पुस्तक जम्मू कश्मीर एक परिवर्तन की कहानी जेएनके अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का अपने कर कमलों द्वारा विमोचन कर कृतार्थ करें। माननीय महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इस योजना के अंतर्गत 12 करोड़ परिवार यानी तकरीबन 7 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतिम जन तक माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से पहुँचाना है। योजना संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाने की आपसे अनुमति चाहूंगी। जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन की मूल होती है। इसी विषय के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य क्षेत्र की सफलता योजनाओं में शुमार आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत 4.5 साल के दौरान 5 करोड़ से अधिक रोग उपचार किए गए, जिस पर सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अमीर गरीब की खाई को बांटते हुए यह योजना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निस्संदेह यह अमृत काल है। 2021 में योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के सभी निवासियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई। अब तक जम्मू कश्मीर में 82 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 8 लाख से अधिक उपचार लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। प्रदेश के सभी नागरिकों को इस योजना में शामिल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर 2020 को एबीपीएमजे सेहत योजना को जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किया। यह योजना जम्मू कश्मीर के हर परिवार तक पहुंच चुकी है। इसी उपलक्ष्य पर आपसे आदर आग्रह, इन लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान करें।
रानी देवी, संजय भट्ट, मोहम्मद शकील, सुरेंद्र कुमार, राशिद अली और पारस बाबा। क्षण कि जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षारत यहां सम्मिलित हुए हैं, अत्यंत सम्मान पूर्वक माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से जन संबोधन के लिए आदर आग्रह करना चाहूंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया जम्मू वालों की आवाज को? ऐसा नहीं चलेगा भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, मेरे मित्र और पीएमओ में राज्य मंत्री, यहीं के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भाई जुगल किशोर जी, सांसद जम्मू लोकसभा, महापौर जम्मू श्री राजेंद्र शर्मा जी, हमारे गुर्जर साथी राज्यसभा के खड़े हो जाइए, ऊपर नहीं आए हैं, राज्यसभा के सदस्य महोदय श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री अरुण कुमार मेहता जी, श्री टपन डेका जी, श्री श्यामल मिश्रा जी, और आज इतनी चिल चिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मेरा राम राम प्रणाम। आज फिर एक बार ये मंदिरों की नगरी में आने का मुझे मौका मिला है। उस वक्त मैं सबसे पहले मां वैष्णो के चरणों में प्रणाम कर मेरे श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष थे, 1953 में देश के उद्योग मंत्री ये नाते इस्तीफा दिया जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा
इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करके। अरे भला अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुट मणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार करते। मित्रों, आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आज मैं यहां आया हूं, तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। वो जनसंपर्क अभियान में हमने 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा, इसकी बात करनी। मित्रों, मैं एक ही बात करता हूं, मोदी जी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली यूपीए सरकार की जगह 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सकता, ऐसी सरकार चलाई है। और इस देश में से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए तिलांजलि देने की शुरुआत की। उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, इस देश का उत्कर्ष किया है, और इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में ढेर सारी सुविधाएं, जिसका गरीब आदमी 70 साल से राह देख रहा था, उसको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यहां पर 84 करोड़ की लागत से 3 उद्घाटन हुए, जिसमें मेन बक्सी नगर में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का निर्माण, ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन और डोगरा चौक से केसी चौक तक बड़ी सड़क का उद्घाटन। इसके साथ साथ 309 करोड़ की लागत से शिलान्यास भी हुआ है, जिसमें CFSL 100 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आज यहां पर गोल्ड हेल्थ कार्ड वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। लगभग जम्मू में, कश्मीर में 97 लाख लोगों को ये गोल्ड कार्ड का फायदा मिल रहा है। ये मोदी जी का जम्मू और कश्मीर की घाटी पर लगाव ही है। पूरे देश भर में ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मिलती है, मगर जम्मू कश्मीर में कोई भी नागरिक हो, उसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हर रोज 2 करोड़ का भुगतान जम्मू कश्मीर सरकार इस पर कर रही है, हर रोज 2 करोड़ का भुगतान। और आज ये आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अभी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का मंदिर का भी यहां पर शुभारंभ हुआ है। ये सभा के बाद मैं जाऊंगा और वहां पर
अपनी श्रद्धा व्यक्त कर आगे घाटी के लिए निकलूंगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक तीन परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये तीन परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल खसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आगे इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहां पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था कभी? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता? हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता? धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा, गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए, एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में भी आरक्षण हुआ, दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण हुआ। ये सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कारण आए हैं। अभी अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई, महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद? मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में, 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल, और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर हम आए, इंडस्ट्रियल लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की पॉलिसी भी लेकर आए, 2021 में नई फिल्म के लिए भी पॉलिसी लाए, टूरिज्म के लिए होम स्टे और हाउस बोट की भी पॉलिसी बनी, और ये सब का नतीजा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और मित्रों, पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए, ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और ये तीन परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जमाने में इसका 50% भी कभी नहीं आया। ये 9 साल में पर्यटक बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 हुए। और मित्रों, कुल मिलाकर
47 से 2014 तक नौकरियों में बड़ी किल्लत थी। हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है 28,000 सरकारी नौकरी दी, 51,000 यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्थापित किए और मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों जिन युवाओं के हाथ में एक जमाने में पत्थर होते थे, आज वही घाटी के युवाओं के हाथ में, जम्मू के युवाओं के हाथ में लैपटॉप देकर मन को बहुत आनंद होता है। ये परिवर्तन ये 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। कंकड़ की जगह किताब लेकर पढ़े हुए युवा न केवल जम्मू कश्मीर देश के भविष्य को संवारने वाले हैं। मित्रों पहले इनके भविष्य पर ब्लैक स्टॉप लिखा हुआ था, अब ब्लैक बोर्ड पर वो अपना खुद का भविष्य लिख रहे हैं। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक G20 का सम्मेलन यहां पर हुआ, कुछ पार्टियों ने पाकिस्तान के साथ आवाज मिलाकर इसका विरोध किया। मैं मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं, सभी सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं, एक भी विघ्न के बगैर इतने सारे देशों के नेता G20 करकर कश्मीर के लिए अच्छे टूरिज्म का संदेश लेकर गए हैं। और समग्र विश्व के अंदर कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं इसका संदेश पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। पंचायती राज व्यवस्था फिर से लागू की, पहले 3 परिवारों के भ्रष्टाचार के साथ साथ 3 परिवारों के नुमाइंदे ही दिखाई पड़ते थे, अब 32,000 नवनिर्वाचित पंच सरपंच तहसील पंचायत जिला पंचायत के सदस्य हैं जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा रहे हैं। और मित्रों मेडिकल कॉलेज 70 साल में 4 बनाए, मोदी जी ने 9 साल में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए। पहले 500 मेडिकल सीटें थी, अब 600 MBBS की सीटें जोड़ दी गई है। और डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज 96 थे, अब 147 है। IIT और IIM जम्मू को देने का काम किया गया है, ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, NDA को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मित्रों इन लोगों ने तमाशा देख देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज बहुत समय के बाद भारत को अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्ट्रेट गेज का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका ने में प्रधानमंत्री जी को मिला है ये न भूतो न भविष्य दी है। माताओं भाइयों बहनों ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, और ढेर सारी बड़ी कंपनियां
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ललायित है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 साल में बनाने का काम किया है। और ये राहुल बाबा हमेशा विरोध करते, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय है, एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे? जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाएंगे? मोदी जी की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं सभी आगंतुकों, आयोजकों, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया बंधुओं एवं अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।